इससे बहस कर। तुम तो गोया यूं बात कर रहे हो जैसे बहस को जानते ही। सारी उम्र गुजर गई तुम्हारी बहस करते करते और आज कितने अनजान बन रहे हो। नन्हे नादान, रोटी को चोटी और पानी को मम्मा कहते हैं बेचारे, जैसे कुछ जानते ही नहीं। यूं बैठे बैठे जीने आए कि बहस करें, जरा दिल बहल जाएगा और तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई काम की बात कही होती ना, ये क्या आओ बहस करो आओ बहस करो। क्या सिलेक्शन में म्यूनिसिपल कमिश्नर भर्ती होने का ख्याल है? अखबार में एडिटर बनने का इरादा कर रही है? परमात्मा की कृपा से अखबार तो हर रोज हमारे घर से निकलता है। सुबह की चाय पीकर जब घर से बाहर निकलते हो तो सारे मोहल्ले वालों को अपने घर की खबरें सुनाते हो। लाज तो ना आई होगी? अभी उस कल हुए भगवान दास को नहीं कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी पतलून पहनकर फोटो उतरवा लिया? मुझसे कसम ले लो जो मैंने ऐसा कुछ कहा हो। वो तो बातों बातों में सिर्फ इस कदर मेरे मुंह से निकल गया था कि औरतें अगर पतलून पहन लें तो क्या हरज है? नहीं, क्या हरज है? और अगर ना भी पहने तो कोई हरज नहीं। नहीं, तुम्हारे दिल में तो मेरी तरह से चोर बैठ गया, पत्ता खड़का बंदा भड़का। चोर बैठ गया। और अगर मैं अपनी किसी सहेली से कह दूं कि पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें अपने कपड़े पहनवा कर सारा दिन घर के काम काज पर लगाए रखा तो? देखो ये बात अपने दिल में ही रखना, उससे को थूक दो ना मेरी जान। ये तुम तो नाहक बात बात पर बिगड़ रही हो। देखो ऐसी बातें भला गैरों से भी की जाती, अभी भी कोई सुन ले तो क्या कहे? अच्छी जी जी जी, घर में ऐसे कई चहल तमाशे होते रहते हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि इनका जिक्र दूसरों से किया जाए। लाजवंती तुम्हें क्या हो गया? मेरा दिल आज बहस करने को चाहता है। अभी दो भी आया तो था, उसे क्यों ना शुरू कर दी? देखो बहस वहां शुरू हो सकती है जहां कोई न माने। जब मैंने उससे कहा कि रेशमी कपड़ों में कलफ लगाना चाहिए तो उसने झट से मान लिया कि जी हाँ सरकार, जरूर लगाना चाहिए। अब तुम ही बताओ, ऐसे लोगों से खाक बहस हो सकती है कि जहां बाल की वहीं गर्दन दबा दें? अच्छा अब ये बताओ कि तुम क्या चाहते? अब क्या चाहते? बहस करो, जरा गर्म गर्म बातें करो। तुम अपने दिल की भड़ास निकालो, मैं अपना जी हल्का कर लूं। क्या तुम इस ठहरे पानी जैसे जिंदगी से तंग नहीं आते? नहीं। एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक, नौहाए कभी सही नगमाए शादी न सुन। और अगर घर की रौनक हंगामे पर ही मौकूफ है तो आओ, तुम मेरे बाल नोचो, मैं तुम्हारा मुंह नोचू, दोनों चीखे चिल्लाए उधम मचाकर सारा घर सर पर उठाने, फर्नीचर की कुर्सी उड़ा डाले। नहीं है अजीब मन थे, और तुमने किस बेवकूफ का शेर याद कर लिया? आखिर इस घर में हंगामे की जरूरत ही क्या है जहां तुम जैसी धरती दमक मौजूद हो, सदा भूचाल रहता हो।
बात भूचाल की हो रही थी, अब बीच में ये कायदे और कोरस क्या आ गए? तो फिर ये बेटे के डाने क्यों? अरे बेटा जैसा आपका है वैसा उनका भी तो है। वो कैसे? बेटा इनका है, बाप पूत प्राप्त घोड़ा इसकी दलील है। हाँ बेटी होती तो अलबत्ता मिली। बाप ना तू खामोश रहो ना कुछ देर के लिए। ये आज इसी किस्म की ऊटपटांग बातें कर रही है, अभी मुझसे कहती है मेरे साथ बहस करो। क्या इसमें हटने की कौन सी बात है? बहस मुबारा कर ले रे तो तुम्हारे ही पल्ले कुछ पड़ जाता ना भाई। कुछ नहीं देखे बात करने की तुम्हें नहीं आ रही, पर तुम्हें इन चीजों की कदर नहीं हो सकती। मैं होना आखिर लोहे की मशीन पर उंगले चलाने वाले। हाँ तो भाभी जान आप कुछ कह रही थी ना, बेटा इसका और बेटी आपकी, यही कहा था? जी हाँ यही कहा था, बेटा बाप का और बेटी माँ। गो मुझे इस तरह के सवाल करने का अधिकार नहीं है, मगर क्या फिर भी पूछ सकता हूँ कि बेटा इसका कैसे हुआ और बेटी आपकी कैसे हुई? मेरी वाइफ तो कहा करती है कि बेटा और बेटी दोनों मेरे हैं, मुझे ये मालूम करना है कि वो दोनों गलतियाँ मेरी हैं उसकी, और अगर दोनों गलतियाँ मेरी नहीं है तो उनमें से कौन सी उसकी है और कौन सी मेरी? मैं स्लेट पेंसिल लेकर हिसाब का सवाल निकालने नहीं बैठी, आपको जो कुछ पूछना है सीधे साधे लफ्जों में पूछिए। देखिए भाभी जान मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर औरतें मेरी बीवी को अलग करते हुए अपने शौहरों से क्यों कहा करती हैं कि तुम्हारे बेटे ने तो नाक में दम कर रखा है, और जहाँ जहाँ बेटी का जिक्र आ जाए तो ये कहा करती हैं कि मेरी बेटी तो देवी है देवी, परमात्मा कुल जहाँ को ऐसी बेटियाँ दे। मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी के दरमियान जो फर्क है मालूम करना चाहता हूँ ताकि दूसरों का भला हो। भाई ये जो फैसला करें कि उससे मुमकिन है कि दूसरों का भला पर मेरे लिए ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। तुम जाने बोने इस किस्से को क्यों मेरे लिए एक नया कानून पास करवा रहे हो उससे पहले का कम थे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किशोर, और तुम नहीं समझ सकते इसका हल होना कितना जरूरी है। भाई हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाए, सारी दुनिया आजाद हो जाए, फिर भी ये मसला हल तलब रहेगा। तुम बस गौर से सुनते जाओ, क्या पता इस गुत्थी के सुलझाने का सहरा हमारे ही सर बंधे हो। एक बार सहरा बंधवा कर तो जिंदगी भर की गुलामी का तोप मैंने गले में डाल दिया, अब कौन सा सहरा बंधवा रहे? नहीं भाई कृपा करो मुझ पर, मैं भर पाया। तुम चुप रहो ना कुछ देर के लिए, क्यों बीच में बोल रहे हो? काम करो। हाँ तो भाभी जान आप अपने ख्याल का इजहार फरमा रही थी, फरमाइए। जो कुछ आप पूछ रहे हैं मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ शौक से। मर्द औरत से शादी करते हैं, औरत मर्द से शादी करती है? हाँ मतलब मर्द औरत से शादी करती है या औरत मर्द से शादी? नहीं, मर्द औरत से शादी करता है या शादी मर्द से औरत करती है? सच्ची बात तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल आई। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि शादी मर्द से औरत करती है। मुझे देखो अच्छा भला आदमी था, औरतों से भी बदतर हो गया। देखिए भाभी जान मैंने शादी के इस मसले पर बहुत गौर किया, अजी बहुत गौर किया, और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ताली दो हाथ से बजती है। अब मर्द औरत से शादी करे या औरत मर्द से करे, आप यूं समझो कि शादी हो जाती है। अब शादी बहरहाल शादी है, अब मालूम ये करना बाकी रह जाता है कि हम शादी क्यों करते हैं। तो इसके मुतल्लिक मशहूर रूसी आर्थर चेखव ने लिखा है, पीपल मैरी व्हेन दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देमसेल्व्स। मतलब ये कि ये मर्द औरत उस वक्त शादी करते हैं जब इन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि वो अपने आप का क्या करें। तो दोनों उस वक्त अकेले से खाली होते हैं, बेवकूफ होते हैं।
लफ्ज वही रहने दीजिए, क्या हर्ज है? अगर इससे मतलब तो ना बदल जाएगा। आपने गोल मोल लफ्जों में मुझसे यही कहना चाहा है ना कि जब औरतें मर्दों से शादी करती हैं तो वो पढ़ले दर्जे की बेवकूफ होती हैं। तो इसमें शक ही क्या है? इससे ज्यादा बेवकूफी की और क्या बात हो सकती है कि देखभाल के समझ बूझ के अपनी आजाद जान को कैद में डाल देती है। पति का घर दूसरे लफ्जों में कैद खाना है जिसमें जिसमें उम्र भर की सजा को भुगतना पड़ती है। पति का घर दूसरे लफ्जों में कैद खाना ही सही। ये औरतें भी तो उसी कैद खाने का दारोगा बनकर आती है। जब देखो खाने पर ये बंदूक लिए खड़ी। नहीं भाई, शादी के बाद पति किसी औरत से हंस कर बात कर ले, कयामत पर पाँव जाती है वहां पर। कहां की बात कहां लगाई। सुनिए नारायण साहब, आप जरा औरतों का हाल भी सुनिए। सुबह उठते ही पति साहब शुरू करते हैं जरा हमारा हाल भी सुन लो। पति रात को जरा देर से घर के आया, देवी जी शुरू हो गई। ए गए होंगे ना अपने किसी मासी के यहाँ है, होगी कोई नाच रंग की महफिल, मिल गई होगी कोई ऐसी वैसी। अच्छी मैं भी तो सुनू आखिर मुंह ही लगाता है, बोलो भी। अब इनके दफ्तर जाने का वक्त आया और खाना ले जाकर सामने रखा तो पति जी के मुंह से फूल झड़ने लगे। रोटियां कच्ची रह गई हैं, सेक ही नहीं गई। सुबह सुबह उठकर ओपले खाती है। बाजी में नमक कम है, सालों में नमक जहर कर दिया है, पानी में बर्फ नहीं डाली। खाना क्या पकाया गया है, सर की बला डाल दी गई है बस। जब ही तो मेरा मैदा खराब है, जब ही तो मुझे स्थानीय डॉक्टर को फीसें अदा करनी पड़ती है। सुनो नारायण, अगर शामत जमाल उसी करोड़ों डॉक्टर को ₹5 फीस क्या देती, इसने घर सर पर उठा लिया। अच्छा, अब ये तनख्वाह में से ₹5 कम क्यों है? हैं? कोई नहीं बला पाली है? मेरे बच्चों का सब्र पड़े उस अड्डों पर, होगी ना कोई ग्राहकट मुई? पहले की तो पूरी पड़ती नहीं, जो ये चेहरे जलवे की है और ये महाशय जी उस मुई लगाता क्या कुछ छदे उड़ा रहे। अब इनके दफ्तर जाने का वक्त आया तो कपड़े बदलते वक्त शुरू हुए। मैं तो सराय में रहता हूँ, घर तो रही है, जिंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। कमीज में बटन निरारत, पतलून का बक्कन कब से गायब है? किसी को क्या परवाह, कॉलर सब मेरे पड़े हैं। तब तक एक ही होकर इस्त्री कर दी होती, कोई हाथ की मेहंदी तो ना छट जाती। मेरा कपड़ा कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं, मेरी बोसी की कमी से अक्सर बच्चे के पोतड़े का काम लेती है। सुनो नारायण सुनो। इरशाद भाभी जान, मैंने आपके दोस्त कुछ इरशाद फरमा रहे। कहो भाई क्या कहते हो? देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन किससे कह रहा है। तो इत्तेफाक से एक दोस्त के यहाँ मैंने खाना खा लिया भाई। फिर तुम सुनते, ये देवी जी आए तो मैंने पीना हुए थे कि चिल्लाना शुरू कर दिया।
बर्दाश्त सुनने के लिए मैं ही रह गया हूँ। अरे बको नहीं सुनो। बोलो। परसों का एक जिक्र है, गणेश ने मुझे एक बोतल बियर की पिला दी। घर को पहुंचा ना मालूम नाग मिली की कान चूहे की ग्रामोफोन बजने लगा पै 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 पै। अच्छा अब ये कहिए सरकार के मुंह दारू भी लग गई है, है? जब ये आंखें लाल बाबू का हो रही है, बात तुझसे ही मुंह से निकलती नहीं। ये किन श्रीमती जी का काम है? अच्छा बोलो भी, होगी ना कोई बाजारी? अब घर बार चल चुका, बच्चे पल चुके, मैं बदनसीब भी गई चूल्हे भाड़ में, पर बच्चों का गुजारा कहा देखो से होगा। जब भी देखती हूँ कि कभी तनख्वाह में से 10 कम कभी 20 कम, नहीं आज मैं कहीं हंसी में फंसी ना हो जाए। क्यों भाई? देखिए भाभी जान, अब मेरे दोस्त ने हार मान ली, आप जीत गई और वो हार गया, मगर बहस बहुत ही मजेदार रही। ये बात है तो लीजिए और छेड़े देती हूँ। अब ये इनके सोने का वक्त आया और मसहरी पर जाकर लेटो तो कहने लगे ओफ ओफ पैरों में किस कदर ईंठन हो रही है और सर के दर्द से कनपटियां फटे जा रही है। भला किसी को क्या गरज के कोई मेरे पैर दबा दे, मेरे सर में तेल खपाए, हाय मर गया। ओ हो 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 हो, क्या नहीं सुनती है। अब वो बेचारी तेल लेकर पहुंची, अभी तेल लगाते 2 मिनट ही ना हुए थे कि बोले तुमको तेल लगाना कभी ना आएगा। मेरा सर तुम्हारी सिंगल मशीन की तरह नहीं है, सराचा स्किन नहीं होती, सर की बला टालती हो, इससे बेहतर था पैर ही दबा देती। अब वो बेचारी पैर दबाने बैठी, अभी 5 मिनट भी ना हुए थे कि बोले बस करो, हाथों में जोर ही नहीं है, इत पैर दबाती हो या पिंडलियां सहला रही हो, सर की बला टालती हो, ये क्या हारमोनियम बजाया जा रहा है? झूठ, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, एक लफ्ज नहीं है इसका। सुनिए नारायण साहब, इरशाद, अब 1 घंटा दबा चुकी तो हुक्म हुआ बस करो, मुझे कुछ तस्कीन नहीं होती। अरे क्या सचमुच हो गई? बस लेटी नहीं क्या सोई नहीं, खर्राटे शुरू हो गए। अरे सुनती हो? अरे उठो जरा, जरा बातें तो करो, हैं? लजो लजो लजो, सब बोतान है, ये सब बोतान है, झूठ बोल रही है ये, इसके घर से तो नहीं, झूठ बोल रही है ये। अब जरा बच्चा रो पड़ा, चांद बूझ कर के दूध से जी भर कर नहीं पिलाया होगा कि उठे और मेरी नींद हराम हो जाए। गोद में ले, दिन भर काम करूं, मरूं खपूं, रात को बच्चा खिलाने की ड्यूटी भी मैं ही दूं। अरे उठती हो? अरे नींद है के भला, कैसी जालिम माँ है, क्या भारी नींद है। अरे उठो, मुझसे नहीं बहलता, मुन्ने को दूध दो, मुन्ना रो रो कर हलाक हुआ जा रहा है। राजवंती, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मैं हारा तुम जीती, मैं हारा तुम जीती, अब बंद कर दो इस बहस को, मैं धोबी बन जाऊंगा, भगवान की कसम मैं धोबी बन जाऊंगा, अब तुम बंद कर दो इस बहस को। ये तुम बार बार धोबी क्या कह रहे हो? धोबी बन जाओगी तो क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा नारायण, सब ठीक हो जाएगा। बात ये हुई कि सुबह धोबी धुलाई लेकर आए, अब आपने उनसे भी बहस करना चाहिए। फरमाती हैं कि रेशमी, अगर रेशमी कपड़ों को कलफ लगाना चाहिए। बंदा था अकलमंद,
फौरन बोला ये सरकार जरूर लगाना चाहिए, कहकर अपनी जान छुड़ा और मुझे अभी तक फंसा हूं। तो कल से मैं भी अपने घर में धोबी हूं। भाई क्या काम की बात बताई है तूने।